ऑलराइट गाइस, मैं आज आपको एक ऐसा स्मार्टफोन बताने वाला हूं जो अपने प्राइस ब्रैकेट में बहुत ही शानदार फीचर के साथ आता है। अब आप सोच रहे होंगे ऐसा क्या लॉन्च हो गया भाई जो मुझे पता नहीं है। चलो दिखाता हूं, लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले अनबॉक्सिंग का मजा ले लेते हैं। बहुत ज्यादा एक्साइटमेंट भरा रहता है कि डब्बा के अंदर क्या क्या मिलेगा क्या नहीं है। ओके, तो गाइस सबसे पहले आप देखोगे तो हरा भरा डब्बा आपको देखने में मिलेगा। 45 वाट का एक चार्जर, इसके साथ टाइप ए टू टाइप सी चार्जिंग केबल और एक सिम इजेक्टेड पिन। और भाई इतना ही नहीं है, एक यहाँ पे केस और इसके साथ एक मस्त टेम्पर ग्लास भी हमें देखने मिलता है। और जो केस है ये लिटरली काफी हार्ड है और मस्त पीछे ब्रांडिंग किया गया है JBL का। हम आपको बताएंगे यहाँ पे JBL क्यों लिखा गया है। ओके, और नीचे रखा गया है जिसके लिए हम ये वीडियो बना रहे हैं, इन्फिनिक्स नोट 35G, जिसे मस्त बढ़िया से लपेटा गया है प्लास्टिक में। इसे हटा देते हैं। अनबॉक्सिंग का मजा तो आपने ले लिया, अब बात करते हैं इसके डिजाइन का। तो देखो बैक साइड में देखोगे तो काफी जो मैट फिनिश में आपको डिजाइन देखने मिलेगा। बड़ा सा यहाँ पे कैमरा मॉड्यूल है जिसमें तीन कैमरे हैं। एक में एक लगा हुआ है जो सबसे ज्यादा हाई मेगापिक्सल वाला कैमरा है, और एक में दो कैमरा आपको देखने मिलता है। इसके बाद यहाँ पे 4 LED फ्लैश लाइट है एंड एक यहाँ पे दिखाने के लिए काफ़ी अच्छा डिजाइन बनाया गया है। और इसके बाद यहाँ पे लिखा गया है 108 MP अल्ट्रा क्लियर कैमरा। देखेंगे कितना अल्ट्रा क्लियर है जब हम कैमरे वाले पार्ट में आएंगे। अब गाइस फ्रंट साइड में 6.78 इंच का स्क्रीन है। अब गाइस स्मार्टफोन के जो चारों तरफ का एरिया है, जो फ्रेम है इसका, ये काफ़ी अच्छा दिखता है, मस्त आपको प्रीमियम सा फील करवाएगा। टॉप एरिया में यहाँ पे स्पीकर ग्रिल है, साउंड बाय JBL का ब्रांडिंग है। बॉटम में आप देखोगे तो ऑडियो जैक, इसके बाद माइक्रोफोन, टाइप सी चार्जिंग इंटरफेस, स्पीकर ग्रिल आपको देखने मिलेगा, स्टूडियो साउंड इसमें आपको सुनने को मिलता है, जो काफी अच्छा एक्सपीरियंस आपको करवाएगा एंटरटेनमेंट का जब मजा आप ले रहे होगे उस समय। राइट साइड में वॉल्यूम रॉकर बटन, फिंगरप्रिंट सेंसर, इसके बाद इसी से आप पावर ऑन ऑफ कर सकते हो। और जो लेफ्ट एरिया है यहाँ पे सिम ट्रे है जिसमें आप 2 SIM और 1 मेमोरी कार्ड लगा सकते हो। और जो इसका वेट है ये 205 ग्राम के आसपास है। एंड गाइस सच बताऊं कि स्मार्टफोन जब आप इस तरह से होल्ड करोगे लिटरली काफ़ी अच्छा दिखता है। ऐसा बिल्कुल नहीं लगता है कि बजट सेगमेंट का ये स्मार्टफोन है, दिखने में मस्त आपको लगेगा, प्रीमियम सा दिखता भी है गाइस। ओके, अब आते हैं इसके डिस्प्ले के ऊपर। 6.78 इंच का फुल HD प्लस IPS डिस्प्ले इसमें देखने को मिलेगा आपको, और साथ में 120Hz का रिफ्रेश रेट प्लस 240Hz का टच सैंपलिंग रेट आपको देखने मिलेगा, जो काफी अच्छा एक्सपीरियंस रहेगा गेमिंग में भी और मल्टीमीडिया में भी। और साथ में 92% स्क्रीन टू बॉडी रेशियो है जो आपका एक्सपीरियंस और अच्छा कर देगा। इतना ही नहीं, इसमें जो साउंड का यूज किया गया है ये साउंड बाय JBL है और आपको स्टूडियो स्पीकर का मजा मिलेगा। तो गाइस सबसे पहले यहाँ पे एक वीडियो आप देखो जिसमें आपको साउंड और वीडियो दोनों का आइडिया लग जाएगा। आई होप गाइस यहाँ पे आपको समझ में आ गया होगा कि इसका साउंड और जो वीडियो का एक्सपीरियंस है ये कैसा रहा है। आई होप आपका अच्छा रहा होगा। एक चीज़ और मैं आपको बता दूँ, इसमें आपको वाइड L1 का सपोर्ट मिल जाता है, तो आराम से आप नेटफ्लिक्स चिल कर सकते हो बहुत अच्छे से। क्या बात है। अब गाइस इसे प्रोसेसर जो यूज किया गया है ये MediaTek का Dimensity 6806 नैनोमीटर बेस्ड वाला प्रोसेसर है। 14 5G बैंड के साथ आता है जो अपने आप में आई थिंक काफी ज्यादा है। और इतना ही नहीं, आपका यहाँ पे इमर्सिव सॉफ्टवेयर एक्सपीरियंस भी रहने वाला है क्योंकि ये अभी एंड्रॉइड 13 पे है और इन्फिनिक्स का अपना OS XOS 13 आपको मिलता है। और साथ में यहाँ पे 2 साल का सिक्योरिटी अपडेट एंड 1 साल का यहाँ प्रॉमिस करता है कि आपको एंड्रॉइड अपडेट देखने को मिलेगा, जो काफी अच्छी बात है। इसमें गाइस आपको 2 वेरियंट देखने मिलेगा, एक 4GB रैम प्लस 128GB स्टोरेज जिसमें आप 4GB वर्चुअली बढ़ा भी सकते हो, और एक है 8GB रैम 256GB स्टोरेज और इसमें भी आप 8GB रैम वर्चुअली बढ़ा सकते हो। तो टोटल हम समझे काइंड ऑफ तो 16GB रैम प्लस 256GB स्टोरेज आपको देखने को मिलता है, और जो बेस वेरिएंट है वो 8GB रैम प्लस 128GB आपको देखने को मिलता है। तो भाई ये तो हो गई इसके पेपर वाली बात, अब हम यहाँ पे इसका रियल टेस्टिंग करेंगे और देखेंगे ये सच में कितना कैपेबल है। ये अभी पता चल जाएगा जब इसमें हम गेम खेलेंगे, मल्टीटास्किंग करेंगे एंड सारा चीज़ करके आपको दिखाते हैं। ओके, तो गाइस सबसे पहले COD इसमें खेलते हैं एंड ग्राफिक सेटिंग आपको एक बार दिखा देता हूँ। तो देखो ग्राफिक्स क्वालिटी लो पे हाई है एंड मीडियम पे भी आपको हाई देखने मिलता है। एंड अभी न्यू ये प्रोसेसर है जिसकी वजह से ये ऑप्टिमाइज नहीं है इसके लिए। एंड चलो यहाँ पे गेम प्ले आपका काफ़ी स्मूथ रहेगा, बिल्कुल भी फ्रेम ड्रॉप वगैरह देखने को नहीं मिलेगा। एंड चलो स्टार्ट करते हैं किल करना। तो गाइस सेकेंड गेम यहाँ पे जो खेलने वाले हैं ये BGMI है। स्मूथ पे अल्ट्रा कर सकते हो एंड HD पे आप हाई कर सकते हो। इसके बाद यहाँ मल्टीटास्किंग करके देखते हैं किस तरह का एक्सपीरियंस रहता है। देख सकते हैं इतना सारा टैब मैं ओपन कर दिया हूँ एंड यहाँ पे ये सारा ओपन है
As you can see, यहाँ पे गेम अभी खेल रहा था मैं BGMI, ये बंद हो गया था और फिर से यहाँ पे स्टार्ट हो रहा है। तो कुछ इस तरह का एक्सपीरियंस रहने वाला है आपका मल्टीटास्किंग में गाइस। अब इसे स्मार्टफोन का बैटरी और जो चार्जिंग का सारा चीज है ये अपने आप में बहुत ही आउटस्टैंडिंग है। सबसे पहले तो इसमें आपको 5000 mAh का बैटरी मिल जाता है जो नॉर्मल है, कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन इसके साथ जो फीचर आते हैं ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। सबसे पहले इसमें आपको फास्ट चार्जिंग 45 वाट का मिल जाता है जो 1-75% 30 मिनट्स के राउंड में हो जाता है। इसे 5 मिनट चार्ज करके आप लगभग 1.5 घंटे तक गेम भी खेल सकते हो। अब गाइस इसमें एक और फीचर है बाईपास मोड का। इसका ये मतलब होता है जब आप इस फोन को चार्ज में लगाकर रखोगे फिर भी गेम आप खेल सकते हो और आपका फोन ओवरहीट भी नहीं होगा, तो परफॉर्मेंस ड्रॉप नहीं होगा, तो आपका चिकन डिनर कोई नहीं रोक सकता है, ये आपका करवा के मानेगा। बेबी मरवा का मानेगी। और साथ में आपको +10 W का वायर्ड रिवर्स चार्जिंग मिल जाता है, तो इमरजेंसी सिचुएशन में आप दूसरे स्मार्टफोन को चार्ज भी कर सकते हो। अब गाइस बात करते हैं इसके मस्त जो बैक साइड में कैमरे लगे हैं इसके बारे में। तो देखो 108 मेगापिक्सल का ट्रिपल AI कैमरा यहाँ पे यूज किया गया है। AI के थ्रू बहुत ही अलग अलग टाइप का पिक्चर ले सकते हो जिसमें स्काई रिप्लेस कर सकते हो। यहाँ पे आप साइड बाई साइड देख भी सकते हो कि एक तरफ नॉर्मल पिक्चर है जो हम क्लिक करते हैं और दूसरी तरफ सेम पिक्चर में स्काई रिप्लेस करके कुछ ऐसा दिख रहा है। तो ये सारा कारीगरी ये सारा कारीगरी आप इसे स्मार्टफोन से कर सकते हो। इतना ही नहीं, इससे मैंने बहुत ही पिक्चर क्लिक किया है, आप यहाँ पे सारा पिक्चर सैंपल देखो आपको आइडिया लग जाएगा इससे आप किस तरह से पिक्चर वगैरह निकाल सकते हो। अब गाइस वीडियो का बात करूं तो बैक साइड से आप 2K वीडियो 30fps में निकाल सकते हो और इसके बाद 1080p वीडियो आप 60fps में निकाल सकते हो। एंड ये भी सिंपल आप यहां पर देख सकते हो कुछ इस तरह से वीडियो आप निकाल सकते हो 60fps है, तो ऑफ कोर्स आपको काफी अच्छा स्टेबलाइजेशन देखने को मिल जाएगा। एंड गाइस ये रिकॉर्डिंग है 2K 30fps में बैक कैमरे से। एंड यहां पे आप देख सकते हो कुछ इस तरह क्वालिटी आपको देखने को मिलेगा एंड काफी अच्छा स्काई वगैरह इसमें दिख रहा है। एंड आप देख सकते हो डायनेमिक रेंज भी काफी अच्छे तरीके से यहां पे आपको दिखाई दे रहा होगा। और गाइस ये जो सैंपल ये 1080p 60fps का है एंड यहां पे आप देख सकते हो स्टेबलाइजेशन काफी अच्छा है, यहां से आपको काफी अच्छा आइडिया लगेगा एज यू कैन सी। और गाइस फ्रंट कैमरा 16 मेगापिक्सल का मस्त ब्यूटी सा अच्छा सा सुंदर सा पिक्चर आपको निकाल कर देगा, तो ये भी सैंपल आप देखो आपको काफी अच्छा लगेगा। एंड लिटरली मैं काफी अच्छा दिख रहा हूँ। और गाइस फ्रंट कैमरे से भी आप 2K वीडियो 30fps में निकाल सकते हो और 1080p वीडियो आप 60fps में, ये मुझे सच में काफ़ी अच्छा लगा यार। फ्रंट कैमरा में 60fps होना चाहिए, थोड़ा बहुत ब्लॉगिंग वगैरह करना है तो मस्त आप कर सकते हो। तो गाइस ये जो रिकॉर्डिंग आप देख रहे हो ये है 2K 30fps में फ्रंट कैमरा से एंड यहाँ पे आप देख सकते हो कुछ इस तरह क्वालिटी ये रिकॉर्ड करता है। और गाइस ये जो सैंपल है ये 1080p 60fps में फ्रंट कैमरा से एंड यहाँ पे आप इजीली ब्लॉगिंग वगैरह कर सकते हो 60fps है तो। और गाइस इतना ही नहीं, एक फ्लैक्सी फीचर भी इसमें आपको मिलता है NFC और साथ में IP रेटिंग IP53 दिया गया है। तो ये सब सारा चीज़ हम जो देख रहे हैं ये आपको इस बजट सेगमेंट वाले फोन में देखने मिल रहा है। अब गाइस इतना सारा फीचर इस स्मार्टफोन में आपको देखने मिल रहा है तो इसका प्राइस क्या हो सकता है, अगर आप गेस कर लियो तो कमेंट बॉक्स में बताओ, अगर नहीं कियो तो चलो मैं आपको बता देता हूँ। तो चलो प्राइस रिवील कर ही देते हैं। तो देखो इसका जो बेस वेरियंट है 4GB 128GB इसका जो प्राइस है ये 14999 है, लेकिन आपको यहाँ पे 1000 का इंस्टेंट डिस्काउंट एक्सिस बैंक के साथ मिलेगा। तो 13999 में आपको बेस वेरियंट देखने मिल जाएगा और यहीं पे 8GB 128GB 15999 में आपको देखने मिलेगा, बट यहाँ पर भी आपको 1000 रुपये का डिस्काउंट मिलेगा एक्सिस बैंक के साथ, तो ये आपको 14999 में। तो क्या 15000 में ये स्मार्टफोन लेना सही रहेगा या नहीं, तो देखो यहाँ पर आपको डिस्प्ले अच्छा मिल रहा है, आपको बैटरी अच्छा मिल रहा है, चार्जिंग अच्छा मिल रहा है, साथ में प्रोसेसर काफी अच्छा है, कैमरा भी आपको अच्छा खासा देखने मिल जाता है, एक सही प्राइस में आपको सारा चीज यहाँ पे देखने मिल जाता है, तो आप इसे कंसिडर कर सकते हो। बाय लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां जाकर आप देख सकते हो, आपको जैसे लगे आप बाय कर सकते हो। ओके तो गाइस मैं आपसे मिलता हूँ फिर से एक धमाकेदार वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, हैव अ गुड डे एंड बाय बाय।